नरेन तुमको महक और पिया अलबेला के महासंगम एपिसोड में कल देखिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता सीधा नहीं होता, टेढ़ा होता है। बहार को शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। पूजा जी, क्या आप अपने एक्स पति को छोड़कर इस डुप्लीकेट नरेन व्यास से शादी करेंगी? अब कमरे की हालत देख के लगता है कि खूब मजे किए होंगे सर। अरे किसी के साथ भी तुम रात बिताओगी? You discuss with Mac. बैठा है और कुछ भी नहीं है। कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ। तुम्हें सी? I'm not lying। वहाँ पे कोई है? तभी देखो ना। आराम से। कौन है? कौन है वहाँ? आराम से। सामने आओ। कौन है? सॉरी दादाजी। क्या बात है बेटा? बाबू जी। अरे तुम लोग कौन सी जगह गए थे जो इतने डरे हुए सहमे हुए हो? जी आपके पास भूत-प्रेत को भगाने का कोई उपाय है? जब कुछ करने में आपका दिल इतना घबरा रहा है तो वो काम आप करना ही क्यों चाहती हैं किरण? मुझे क्या करना है और क्या नहीं मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। किरण। मैडम, नरेन बाबू बाहर आ रहे हैं। किरण, अगर आपने अंगराज को सब सच बता दिया ना तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो मेरे साथ क्या करेंगे। और मेरी छोड़िए, नरेन को तो वो किरण
इससे पहले कि अंगराज यहाँ पहुँचे, प्लीज मुझे 5 मिनट का वक्त दे दीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको अंगराज को सच बता देना चाहिए तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, प्लीज। किरण, हम दोनों ने एक ही इंसान से प्यार किया है किरण, उस प्यार के खातिर बस 5 मिनट। आइए नरेन बाबू, जल्दी कीजिए, बाबा किसी भी वक्त कबीले लौट सकते हैं। मेरा सारा मेकअप कैसे उतर गया? आई होप अंगराज नशे की हालत में नोटिस नहीं करेगा। आपके नशे की लत का सबसे ज्यादा फायदा मुझे है अंगराज, ऐसे ही नशे में डूबे रहिए और मैं इसी तरह आपका फायदा उठाती रहूंगी। नरेन, पूजा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब ये अंगराज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इंजेक्शन का असर सिर्फ 5-7 मिनट रहेगा, उससे पहले हमें निकलना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है नरेन बाबू, अब तो आग बरसेगी चमके। नरेन, पूजा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब ये अंगराज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इंजेक्शन का असर सिर्फ 5-7 मिनट रहेगा, उससे पहले हमें निकलना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है नरेन बाबू, अब तो आग बरसेगी चमके। मैं तेरे साथ वो नहीं होने दूंगी जो प्रज्ञा के साथ हुआ, इसीलिए मैंने सोच लिया और मैं उन्हें बोलकर आई हूं कि तू लूट रहा हूं दोबारा नहीं जाएगी। आज का दिन तेरे लिए आखिरी दिन था, उस घर में दोबारा तुम नहीं जाएगी। मानना पड़ेगा यार, तुम्हारा प्रोफाइल तो भाई के करियर से भी बहुत ऊंचा जा रहा है। पता है, जब भाई ने तुम्हें इस घर से निकाला था ना, मुझे बहुत बुरा लगा था। वापस आ जा, मान जा, हाँ। श्रुति जी, डॉक्टर का कहना कि आप बोल नहीं सकती, आप इशारे से हमें बता सकती हैं कि जो ये हादसा आपके साथ हुआ है उसमें किसी का हाथ था? श्रुति, देख मैं हूँ तेरे साथ, मुझे बस बता कौन था वो। करण ऐसा नहीं कर सकता है। श्रुति ने करण की तरफ इशारा किया, मतलब करण मुजरिम है। साहिल, श्रुति कुछ कहना चाहिए। वेदिका जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। श्रुति से दूर रहिए आप। कैसे जाइए आप? तेरे गलत कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। शायद मेरे जाने से ये लड़ाई को खत्म करने का कारण बहुत बड़ी गलती की आपने। ज़ारा, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी गुलजार हो गई। यहाँ मौजूद हर इंसान से हम कुछ पूछना चाहते हैं, जब से ज़ारा आपकी जिंदगी में आई है, क्या आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है? भाई, कोई हमसे भी तो पूछो कि ज़ारा ने हमारी जिंदगी कैसे बदल दी।